लास्ट में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन संधि में ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यंजन और व्यंजन संधि मिलकर ही व्यंजन संधि बनाएंगे, कोई भी स्वर या व्यंजन मिलकर भी व्यंजन संधि का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, उत धन लास, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, उल्लास। अप धन ज अब्ज, वी धन छेद विच्छेद, वृति धन स्था प्रतिष्ठा, और उत्कृष्ट धन त उत्कृष्ट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर व्यंजन संधि कैसे बना है, तो व्यंजन संधि के कुछ प्रकार तो नहीं होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि बनाने को कुछ नियम होते हैं, तो अभी हमें उन नियम को समझना है कि कैसे नियम होते हैं, ठीक है। तो पहला नियम है, अगर क च ट त प, ठीक है, मतलब कि क वर्ग च वर्ग, ठीक है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग के बाद किसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे कि हम लिखेंगे क च, है ना, ट त और प, ठीक है। तो क वर्ग का तीसरा वर्ग कौन सा होगा, क ख ग, तो तीसरा वर्ग किस में बदलेगा, ग में बदलेगा। यदि तो ज छ ज में बदलेगा, ठीक है। यदि हम ट वर्ग की बात करेंगे तो ट ठ ड में बदलेगा, और यदि हम त वर्ग की बात करेंगे तो त थ द में बदलेगा, ठीक है। और यदि हम न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, प वर्ग के बारे में बात करेंगे तो प फ ब में बदल जाएगा, ठीक है, जो कि आपका दिया है, अर्थात क के स्थान पर ग आ जाएगा, च के स्थान पर ज आ जाएगा, ट के स्थान पर ड आ जाएगा, त के स्थान पर द आ जाएगा और प के स्थान पर ब आ जाएगा। मतलब कि कोई भी स्पर्श व्यंजन दिया हुआ है तो उसके तीसरे वर्ग के व्यंजन को उसके स्थान पर लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण है, दिक् धन गज, यहाँ पर दिया है ना तीसरा वर्ग का पहला, सॉरी, पहले वर्ग का पहला, तो इसके तीसरे में बदल जाएगा। तीसरा क्या है, क का ग में परिवर्तित हो जाएगा। कैसा ग, आधा ग, नीचे हलंत लगाकर आधा ज आधा ड आधा द और आधा प में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिग्गज। वाक धन ईश, तो इसका क्या हो जाएगा, वागीश। अच धन अंत, तो ये क्या हो जाएगा, च है, च का किसमें परिवर्तित होगा, ज में, तो अत धन अच्छ धन अंत, तो ये क्या हो जाएगा, अजंत, ठीक है। षट धन यंत्र, ट है तो ट का किसमें बदलेगा, ड में बदलेगा, तो ये हो जाएगा षड्यंत्र, ठीक है। और अगला है सत धन भाव, त है तो किसमें बदलेगा, त द में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सद भाव। तो ये था पहला नियम, मतलब कि यदि स्पर्श व्यंजन में पांचों वर्ग दिया हुआ है पहले में, तो उसके तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा नियम है, यदि किसी वर्ग के पहले क च ट त प, ठीक है, का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब देखते हैं। वाक धन मैं, देखो पहला तो स्पर्श व्यंजन है, पहले वर्ग में इन सभी में स्पर्श व्यंजन है, लेकिन दूसरे में पहला शब्द या तो म है और या तो सुने पन के कोहरे में किसमें बदल जाएगा, पांचवें वर्ग में बदल जाएगा। जैसे कि क है तो क का पांचवा वर्ग क्या होता है, क ख ग ग अंगा, ठीक है। फिर च छ ज झ इया, च का इया में। वैसे ट ठ ड ढ ण, है ना, पांचवें बदल रहा है, वैसे सभी के पंचम वर्ग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, उदाहरण पहला है वाक धन मैं, तो क्या हो जाएगा, वांग्मय, ठीक है। अच धन नाश, तो क्या हो जाएगा, अन्नाश। षट धन मास, तो क्या होगा, षण मास। उत धन नायक, तो इसका क्या हो जाएगा, उन्नायक। अप धन मैं, अम मैं, और षट धन मुख षण मुख,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई भी स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन के बाद यदि न और म लगा हुआ हो, ठीक है, तो उसी के स्थान पर क्या लग जाएगा, पांचवा वर्ण लग जाएगा, ठीक है। तीसरा नियम है, यदि त के बाद, त के बाद च या छ हो तो त का आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। यदि त के बाद ज या झ हो तो त का आधा ज में परिवर्तित हो जाएगा। यदि ट के बाद ट और ठ हो तो त का आधा ट में परिवर्तित हो जाएगा। ड और अण हो तो आधा अण में चेंज हो जाएगा, मतलब आधा ड में चेंज हो जाएगा। और ल हो तो आधा ल में बदल जाएगा। कैसे? उत धन चारण, यहाँ पर त लगा हुआ है और इसके प्रारंभ में क्या है, च है, तो क्या हो जाएगा, ये त का आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, उच्चारण, उत धन चारण, उच्चारण। सत धन चरित, सच्चरित्र। जगत धन ईश, जगदीश। ग का आधा ग हो जाएगा, जगदीश, ठीक है। जगत धन छाया, जगत छाया। भगवत धन भक्ति, भगवत भक्ति, ठीक है, द में परिवर्तित हुआ है। अगला है, उत धनलास, उल्लास। तत् धन रूप, तद्रूप, ठीक है। तत् धन लीन, तल्लीन। और सत धन धर्म, सद्धर्म। और सत धन जन, सज्जन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मतलब त के बाद कोई भी वर्ण आया है, ठीक है, जैसे कि आपका च हुआ हो, ज हो, ट हो, ड हो या ल हो, वो आधे रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगला नियम है, चौथा नियम, म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, वही आपके क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, या क से लेकर के म तक, ये सभी क्या आपके स्पर्श व्यंजन हैं, उसी वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, जैसे अहम धन कार, या तो पंचम वर्ण लिखा जाएगा या अनुस्वार, अनुस्वार मतलब कि ऊपर अम की मात्रा, अम की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर अनुस्वार लिखा जाएगा, जैसे अहम धनकार, अहंकार, ऊपर म की मात्रा लगी हुई है। सम धन पादक, संपादक, ठीक है। सम धन भौ, संभव। सम धन बोधक, संबोधक। किम धन तु, किंतु, किंतु में ऊपर न की मात्रा लगी हुई है। किम धन चित, किंचित। सम धन बंध, संबंध। और सम धन कलन, संकलन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन लगा हुआ है, मतलब क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, म में अम की मात्रा लग जाएगी या अनुस्वार लग जाएगा। अगला नियम है, पांचवा नियम, म के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, यर लवन। या कोई भी उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन क्या होते हैं, श, स, श और ह हो तो म क्या हो जाएगा आपके, या तो आधा म या अनुस्वार लिखा जाएगा, आधा म में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, जैसे है सम धन योग, तो ये म जो है या तो अनुस्वार बन जाएगा या तो आधा म लिखा जाएगा, कैसे, संयोग, ठीक है। सम धन हिता, संहिता। सम धन विधान, संविधान। और सम धन सार, संसार। तो आप देख रहे हो स के बाद, ठीक है, स के सॉरी म के बाद कोई भी या तो स्पर्श व्यंजन हो, ठीक है, या तो सॉरी अंतस्थ व्यंजन हो, या कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, ह या स, ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है, उसका किसमें, अनुस्वार में, या म आधा म या अम की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। वैसा ही यदि आपका ऋषि का ऋ, र, षटकोण का श के बाद न व्यंजन आए, ऋषि का ऋ, र, षटकोण श के बाद न व्यंजन आता हो तो ण हो जाता है, बाण का ण हो जाता है। कैसे, जैसे परिधान, ठीक है, पुर, पुर धन न पूर्ण, प्रधनमान सॉरी प्रधनमान प्रमाण, प्रधन नेता प्रणेता, रिधन न ऋण, हर धन न हरण, विष धनु विष्णु और भूषण। तो आप देख रहे हो कि या तो रि, या तो ऋषि करी, या तो षटकोण श के बाद यदि न आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, बाण के अणा में परिवर्तित हो जाता है।
अगला नियम है सातवां नियम, यदि स व्यंजन से पहले, क्या कहा जा रहा है, स व्यंजन से पहले यदि अ आ से भिन्न स्वर आ जाए तो स का षटकोण का स हो जाता है। अ आ से कोई भी भिन्न मतलब अ आ ना हो, देखो जैसे कि अभिधन से, अब इसमें क्या है, कौन सा व्यंजन आया है, स्वर आया है ई स्वर आया है, छोटी ई, यहाँ पर भी छोटी ई, इन तीनों में छोटी ई व्यंजन आया है, स्वर आया है, ठीक है। जैसे अभिधन सेक और बाद में क्या लिखा है, स लिखा है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, षटकोण के श में चेंज हो जाएगा। अभिधन से अभिषेक, निधन सिद्ध निषिद्ध, विधन सम विषम, सुधन सुप्ति सुषुप्ति, विधन सल विशल और अनुधन संगी अनुषंगी, ठीक है। मतलब अ और आ को छोड़ के कोई भी व्यंजन, मतलब कि छोटी ई हो सकता है, बड़ी ई हो सकता है, छोटा ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, कोई भी आए तो उसका किस में परिवर्तित हो जाएगा, षटकोण के स में परिवर्तित हो जाएगा। आठवां नियम है, यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ का छ से पहले आधा छ वर्ण जुड़ जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे, जैसे कि स्वधन छंद, देखो किस में आया है, छ आया है, तो क्या हो जाएगा, छ से पहले आधा छ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा स्वच्छंद, क्या हो जाएगा स्वच्छंद, ठीक है। अगला है, यदि स्वर के बाद, यहाँ पे वह है, लास्ट में कुछ नहीं है, मतलब आ है, यहाँ पर आधन छन्न, तो क्या हो जाएगा, आधन छन्न आच्छन, ठीक है, यहाँ पर आधा छ लिखना भूल गई हूँ मैं, बीच में आधा छ आएगा, ठीक है। विधन छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद, अनुधन छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, परिधन छेद का क्या हो जाएगा, परिच्छेद, मतलब स्वर के बाद यदि छ लिखा है ना, तो उसके बीच में क्या आ जाएगा, आधा च आ जाएगा। अगला है नौवां नियम, समधन क्री धातु से बने शब्द जैसे कृत कार कृति कर्ता कारक आदि हो तो म का अनुस्वार तथा बाद में आधा स का आगमन हो जाता है। म का अनुस्वार मतलब कि म के ऊपर अम की मात्रा लग जाएगी और जो स होगा वो आधा स में परिवर्तन, मतलब स का बाद में आधा स बन जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे समधन कर्ता, कर्ता आया है तो क्या बोल रहे हैं, म का अम में हो जाएगा और आधा स आ जाएगा, समधन कर्ता संस्कर्ता, समधन कृति संस्कृति, समधनकार संस्कार और समधनकरण संस्करण, ठीक है। क्या बोला था, यदि म के बाद, ठीक है, समधन कृति के बाद कोई भी, मतलब कृति का कार कर्ता कारक कोई भी हो तो म का अनुस्वार हो जाएगा और आधा स जुड़ जाएगा। वैसे ही आपका दसवां नियम है, यदि परिधन कृति के बाद बने शब्द से परी शब्द के बाद यदि षटकोण के शब्द का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, जैसे परिधन कार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परी के बाद क्या हो जाएगा, आधा श का आगमन हो जाएगा, तो हो जाएगा परिष्कार। वैसी है परिधन कृति, क्या हो जाएगा, परिष्कृति, परिधनकर्ता परिष्कर्ता और परिधनकरण परिष्करण, ठीक है। तो ये था आपका व्यंजन संधि, या यदि आप साधारण शब्दों में बोलो तो जहाँ भी आपको कोई भी आधा वाली चीज़ें जब नजर आए तो आप समझिएगा कि वहाँ पर व्यंजन संधि है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आधा श, यहाँ पर आधा स, ठीक है, वैसे आप कहीं पर देखोगे आधा च, ठीक है, इस टाइप की जो भी चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर आप